मोटू पतलू जब छोटे थे तो वो एक ही घर में रहा करते थे और उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मियों का मौसम था और मोटू ने पतलू से कहा कि यार मैं जा रहा हूँ बाहर। पतलू मोटू से कहता है, यार ठीक है जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना क्योंकि रात बहुत होने वाली। मोटू चलते चलते थक जाता है, जाकर इस पेड़ को हाथ लगा देता है और जैसे ही इस पेड़ को हाथ लगाता है तो भूत बन जाता है। पेड़ में से आवाज आती है, हा 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 हा, तुमने मुझे छू लिया, अब तुम भूत बन गए हो, हा 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 हा। तू कहाँ हो यार, मैं भूत बन गया हूँ, जल्दी आओ मुझे बचा लो यार, मैं मर जाऊंगा, जल्दी जल्दी आ जाओ पतलू भाई। पतलू परेशान हो जाता है कि यार मोटू अभी तक क्यों नहीं आया। वो फिर अपने घर से निकल आता है मोटू को ढूंढने के लिए पैदल, और रास्ते में ढूंढता ढूंढता आखिरकार वो उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां पर मोटू जिन बन गया था। मोटू को देखकर कहता है, तुम कौन हो? मोटू कहता है, मैं हूँ ये। पतलू मोटू से कहता है, मोटू ये तुम्हें क्या हो गया? मोटू कहता है, यार मैं जैसे ही वहाँ से आया मैंने इस पेड़ को छुआ तो मैं भूत बन गया, प्लीज़ मुझे यार पतलू बचा लो, मुझे भूत नहीं बनना। इतनी में ही पेड़ से आवाज़ आती है, इसने मुझे छुआ था तो इसलिए मैंने इसको भूत बना दिया, अब इसको बचाने के लिए तुमने मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा, तो ये जब ही मोटू इंसान बनेगा वरना ये ऐसे ही भूत रहेगा। पतलू कहता है, कौन सा जवाब है बताओ, मैं दूंगा तुम्हें जवाब, कौन सा जवाब चाहिए तुम्हें? ऐसा कौन सा फल है जिसको खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और जलाया भी जा सकता है? तुम्हारे पास अब 10 सेकंड है। इतने में मोटू को जवाब आ जाता है, क्या आपको भी आता है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है। पतलू उस पेड़ को कहता है कि उस पेड़ फल का नाम है नारियल, जिसको खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और चलाया भी जा सकता है। पेड़ उससे कहता है, तुम्हारा जवाब सही है, और फिर वो मोटू को दोबारा से आदमी बनाकर पतलू से मिला देता है। तरह पतलू और मोटू अपने घर वापस आ जाते हैं। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट में बताएं। अस्सलामुअलैकुम।